नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्र सीएससी हेल्पलाइन में। अब आप सभी को जैसा कि पता है बीए सेकंड ईयर फाइनल और एमए फाइनल की फीस भरना कॉलेज स्टार्ट हो चुकी है। अब कॉलेज की फीस किस प्रकार से भरनी है उस पर हम बात कर लेते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कॉलेज की फीस भरते समय कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि एक बार तो ऑप्शन आया था कि एप्लीकेशन नंबर लगाओ, नीचे आपसे पूछा कि आप राजस्थान के मूल निवासी हो तो यस रहता, आपको वहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। अगर यस करते हो तो जन्म आधार कार्ड नंबर ला करके मेंबर सेलेक्ट करके ओटीपी लेनी पड़ेगी। वहाँ पर ओटीपी लेते समय प्रॉब्लम आ रही थी कि जो कॉलेज के अंदर रिकॉर्ड है वो आपका रिकॉर्ड और जन्म आधार कार्ड के रिकॉर्ड के साथ में मैच नहीं हो रहा है, तो इसको आप वेरीफाई करना चाहते हो तो यस रहता, आपको नो। अगर इस प्रकार की आपको कुछ समस्या आती है तो आपको आपके महाविद्यालय से संपर्क करना पड़ेगा। आपका जो आईडी कार्ड है वो लेके साथ में जाना पड़ेगा महाविद्यालय में और वहाँ से आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया जाएगा। बाकी आपको फीस किस प्रकार से भरनी है वो हम बात कर लेते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको आपके कॉलेज की फीस भरने के लिए सबसे पहले आपका ई मित्र ओपन करना है, यूटिलिटी टाइप सर्विस पे ओके करना है आपको। जैसे ही आप यूटिलिटी टाइप सर्विस पे ओके कर देते हो आपके सामने इस प्रकार से आ जाता है। सर्च बॉक्स के अंदर आपको टाइप करना होगा DCE। तो यहाँ पे देखिए आपको सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और यहाँ पे PG फाइनल ईयर का भी आपको फीस भरने का ऑप्शन मिल रहा है। तो हमने सेकंड ईयर की फीस भरने तो वो सिलेक्ट कर लिया। इसी हिसाब से अगर आपको थर्ड ईयर की फीस भरनी है तो आप थर्ड ईयर सेलेक्ट कर लोगे। जैसे ही हमने सेलेक्ट कर लिया, इस पे पेज रिडायरेक्ट हुआ और हमें DCE के पोर्टल पे ले आया। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपके एप्लीकेशन नंबर लगाने हैं, गेट फीस डिटेल पे ओके करना है। जैसे आप इस पे ओके कर दोगे तो ये आपसे पूछेगा क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हो। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो यस करना है, अन्यथा आपको नहीं करना है। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हो है पे यस कर देते हो तो यहाँ पे आपको अपना जन्म आधार कार्ड नंबर लगाना पड़ता है। जन्म आधार कार्ड नंबर लगाने के बाद आपको गेट डिटेल वाले ऑप्शन पे ओके करना है। यहाँ से आपको जिस स्टूडेंट का फॉर्म भरना है, जो स्टूडेंट है उसका नाम सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही उसके जन्म आधार कार्ड के अंदर जो मोबाइल नंबर लगा हुआ था उस पर 6 अंकों की एक OTP आई है, वो OTP यहाँ पर लगा करके इसको वेरीफाई OTP आपको करना है। ध्यान रखना, जो जन्म आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर लगा हुआ है उस नंबर पर ये OTP आएगी, वो ला करके ही यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे जन्म आधार कार्ड के अंदर जो OTP आई मैंने ला करके इसको वेरीफाई कर दिया। जैसे ही मैंने इसको वेरीफाई किया, वेरीफाई करते ही यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, उसके पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कॉलेज का नाम, उसके बाद नीचे जो इसकी डिटेल थी वो यहाँ पे फीस की डिटेल वो भी दिखा दिया। अब हमें नीचे नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है पे नाउ का, तो यहाँ पे आपको पे नाउ पे ओके कर देना है। जैसे ही आप पे नाउ पे ओके कर दोगे देखिए इस प्रकार से आ जाएगा आपके सामने, और इसकी है जो पेमेंट कट चुकी है सक्सेस का यहाँ पे मैसेज आपको मिल जाएगा। उसकी रिसिप्ट निकाल करके स्टूडेंट को दे देनी है। ये रिसिप्ट स्टूडेंट को कॉलेज में जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है, ये अगर ना करवाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। नीचे नीचे एक लाइन दी है, परीक्षा परिणाम आने के बाद महाविद्यालय में आए OBC MBC पर पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात यदि शुल्क राशि में अंतर है तो महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थी से अंतर शुल्क की राशि वसूली लौटा दी जाएगी। यानी कि हो सकता है कि बाई चांस आपसे फीस ज़्यादा ले ली गई हो या फिर कम ले ली गई हो। अगर कम ली गई है तो आप उससे और ली जाएगी, अगर आपसे ज़्यादा ले ली गई है तो आपको महाविद्यालय द्वारा फीस इसकी लौटा दी जाएगी। तो ये रसीद आपको कहीं पर भी जमा नहीं करवानी है, आपके पास में ही आपको इसको सेव रखना है। तो इस प्रकार से आप महाविद्यालय की फीस भर सकते हो। बाई चांस सभी को डिफरेंट प्रॉब्लम आ रही है, सभी को अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है फीस भरने में, तो वो क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनका सोल्यूशन क्या है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार आप कॉलेज की फीस भर सकते हो। कॉलेज की फीस भरवाने के बाद में जो रसीद है वो आपके पास में ही रखनी है, कहीं पर भी जमा करवाने की इसको जरूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।